नमस्कार, मैं अवनीश कुमार राय चंद्रा क्लासेस के परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पुरानी कक्षाओं में जब हमने अध्ययन किया, उसमें हमने मनोविज्ञान के अर्थ, उसके इतिहास के बारे में अध्ययन किया, उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। उसके तदुपरांत हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में जाना, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में बालक के जन्मोपरांत जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें हमने जो अध्ययन किया, वह अध्ययन का जो भाग आता है वह था बालक का अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का जब हमने अध्ययन किया बाबू, तो अभिवृद्धि के अध्ययन में हमने देखा कोशिकाओं की वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, जो कि एक नियत संकुचित रूप में होती है और वो भी विकास के अंतर्गत कार्यरत होती है। ठीक है, अब उस क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद हमने अभिवृद्धि के तुलना में संकुचित या क्षणिक अध्ययन किया था विकास के बारे में, जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक व्यापक क्षेत्र है और बालक के समस्त क्षेत्र को जो प्रभावित करने वाला घटक है वह विकास ही है। तो आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि हमारा विकास किस प्रकार से काम करता है। हमने जाना कि विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लेकिन विकास किन किन घटकों के माध्यम से चलता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिद्धांतों के रूप में आएंगे तो पहला सिद्धांत आता है जो हमारा बाबू, वह है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। यदि विकास की दिशा के बारे में हम अध्ययन करें तो तमाम दार्शनिकों ने या समस्त लोगों ने, सभी लोगों ने यही कहा कि विकास की दिशा क्या होती है? शिरः पदाभिमुख होती है, अर्थात सिर से पैर की तरफ काम करती है। इसके कई नाम हैं, शिरः पदाभिमुख, अपादमस्तक, मस्तकाधोमुखी, शिरः पुंज, इस प्रकार से कई नाम रखे गए। ठीक है, तो विकास की दिशा में एक दार्शनिक और थे जिनका नाम था कुप्पू स्वामी महोदय। मैं बेसिकली ये जो नाम रखा जाता है वह मैं बता देता हूं। तो जो नाम है हमारे शिरः पदाभिमुख, इसके अतिरिक्त अन्य नाम रखे गए थे जो अपादमस्तक, मस्तकाधोमुखी और शिरः पुंज। ये विचारधारा यह दर्शाती है कि बालक के विकास क्रम की प्रक्रिया में विकास होता क्या है। अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, जैसे हाथों का बढ़ना तो अभिवृद्धि है, लेकिन हाथों का क्रियान्वयन होना ही बाबू क्या होता है? विकास कहलाता है। तो विकास की क्रियान्वयन की प्रक्रिया में यह कहा जाता है कि बालक सर्वप्रथम अपने सर को हिलाना प्रारंभ करता है, उसके बाद ही वह अन्य प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ता है। किंतु वही एक दार्शनिक और महोदय थे जिनका नाम था हमारे भारतीय दार्शनिक कुप्पू स्वामी। कौन है बाबू? कुप्पू स्वामी महोदय ने विकास की दिशा को दर्शाते हुए दो रूप रखे। एक नाम इन्होंने रखा जिसका नाम था सिफोलोकोडल। क्या है? सिफोलोकोडल। और दूसरा नाम था प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या है बाबू? प्रॉक्सिमो डिस्टल। इन दो घटकों के आधार पर इन्होंने विकास की दिशा को दर्शाने का काम किया। सिफोलोकोडल जहां सिर से पैर की तरफ काम करता है, या फिर ये दर्शाता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है, वहीं प्रॉक्सिमो डिस्टल कहता है कि विकास की दिशा केंद्र से परिधि की तरफ होती है। अर्थात यह मुख्य लाइन बतानी जरूरी थी मुझे। केंद्र से परिधि की तरफ का मतलब पहले बालक की रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है। किसका नाम निर्माण? रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है, उसके बाद हथेलियों का निर्माण होता है, हाथ का, एंड देन हथेलियों का, और उसके बाद उंगलियों का निर्माण होता है या उंगलियों का क्रियान्वयन होता है। निर्माण का मतलब ये कि उंगलियां कार्यान्वित होती हैं। तो
कुपस्वामी महोदय ने विकास क्रम की दिशा को दर्शाते हुए दो भाग बताया, एक सिफोलोपोडल जो सिर से पैर की तरफ जो नॉर्मली ये परिभाषा थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो ये दर्शाता है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो ये दर्शाता है कि विकास की एक दिशा केंद्र से परिधि की तरफ होती है, जिसका परिहार्य होता है कि सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डियों का निर्माण, उसके क्रियान्वयन, उसके बाद फिर हाथों का, फिर हथेलियों का, देन उंगलियों का। इस विकास क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत कहता है, विकास की दिशा के बाद दूसरा सिद्धांत कहता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। क्या है बाबू? निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया कभी मंद तो कभी तीव्र तो हो सकती है। क्या? विकास की गति कभी मंद तो कभी कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका एक मूल सिद्धांत और है जिसे कहा जाता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। क्या कहते हैं बाबू? निश्चित क्रम का सिद्धांत, अर्थात हमारा विकास जो होता है वह क्रमागत रूप में होता है। विकास का जब हमें अध्ययन करना होगा बृहद रूप में, तो हमें अवस्थाओं का अध्ययन करना होगा, और अवस्थाओं का परिहार यह है कि सर्वप्रथम शैशवावस्था, उसके तदुपरांत बाल्यावस्था, और उसके बाद ही किशोरावस्था आती है। तो यही कहा गया कि बालक का विकास जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बाल्यावस्था आए, उसके बाद किशोरावस्था आए या शैशवावस्था आए। तो विकास क्या है बाबू? निश्चित क्रम में होता है। एक मुख्य लाइन और होती है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी सजीव प्राणी हो, है ना, विकास सभी में समान तरीके से होता है। क्या होता है? सभी में समान तरीके से होता है, अर्थात सभी में पहले वह भ्रूण होता है, उसके तदुपरांत उसका जन्म होता है, और गतिमान तरीके से ही शिरःपदाभिमुख या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल या सिफोलोपोडल गति से होता है। ठीक है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जिस प्रकार मनुष्य में विकास क्रमागत रूप में होता है, हाँ, क्रम निश्चित क्रम में होता है, निश्चित पद्धति के अनुसार होता है, उसी प्रकार यह सब में होता है। यहाँ निश्चित क्रम का सिद्धांत हो गया, कभी गतिमंद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये जो लाइन लिखी गई थी निश्चित क्रम का सिद्धांत यह है, और निरंतरता का सिद्धांत यह, बोला था मैंने कुछ और, लिखा मैंने कुछ और, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है बाबू, यह है निश्चित क्रम का सिद्धांत, यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत, और एक सिद्धांत और है जिसे कहते हैं परस्पर सह संबद्धता का सिद्धांत। क्या है? परस्पर सह संबद्धता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि परस्पर सह संबद्धता का सिद्धांत, प्रत्येक मनुष्य जो विकास की गति होती है, या फिर विकास का जो क्रम होता है, या फिर हमारा जो विकास होता है, वह सबसे अलग नहीं होता। जैसे कि ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इसमें मेरे खड़े होने में मेरे पैर का ही मात्र योगदान नहीं है मित्र। जब तक मेरा तंत्रिका तंत्र सक्रिय होकर के कार्य नहीं करेगा, मैं खड़े होने की क्षमता मेरे अंदर नहीं होगी। मेरी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, वह अगर स्थायी रूप से नहीं रहेगी तो मैं खड़ा
नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है कि बालक के अंदर या सभी प्राणियों में जो विकास होता है परस्पर सहसंबद्धता से होता है, ना कि एकल होता है। ठीक है, तो किसी भी क्रम में विकास एकल न होकर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो निरंतरता आपने शुरू में देखा, विकास की दिशा का सिद्धांत, शिरापदाभिमुख, अपादमस्तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफलोपोडल, वही निरंतरता का सिद्धांत। अर्थात ये कहता है कि विकास की गति निरंतर चलती है, ये कभी मंद तो कभी तीव्र हो सकती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, विकास क्रमागत रूप में चलता है, यह कभी ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, यह क्रमागत रूप में चलता है। तीसरा, चौथा सिद्धांत हमारा कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जिस प्रकार से मनुष्यों में समान तरीके से विकास की गतिविधियां होती हैं, उसी प्रकार से पशु पक्षी व अन्य सजीव व सभी प्राणियों में विकास समान गति से होता है। परस्पर सहसंबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह एकल प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे और हम आपको बताएंगे हमारा जो दूसरा नया टॉपिक है, कितने सिद्धांत हुए हमारे। दो, पांच सिद्धांत हुए हैं। पांच सिद्धांतों के बाद छठवां हम आपको बताते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इससे प्रश्न आते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, दिख रहा होगा, एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि बालक सर्वप्रथम क्या करता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम अपने संपूर्ण अंगों का योगदान करते हैं, उपयोग करता है। सर्वप्रथम संपूर्ण अंगों का प्रयोग, उसके बाद वह एकल अंगों का उपयोग करना सीखता है। क्या, जैसे बालक सबसे पहले अपने पूरे हाथों को उठाना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ना और फिर अपने उंगलियों से सामान को पकड़ना सीखता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक का जो विकास होता है, जो उसके माता पिता के या पितृक वंश सूत्र होते हैं और उसके ऊपर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य वातावरण की गतिविधियां होती हैं, विकास क्रमागत रूप में तो चलता है, निश्चित रूप में भी चलता है, किंतु मित्र बालक के ऊपर पड़ने वाले उसके वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है, वह बालक के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मूलतः यह सात सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जहां एक लाइन मुख्य कहा जाता है कि विकास विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है बाबू, विकास वर्तुलाकार होता है, जहां वृद्धि सीधी होती है, समान गति से होती है, ऐसे होती है, वही विकास वर्तुलाकार होता है, अर्थात वह बालक के सभी पक्षों को स्पर्श करता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, चाहे वह सांवेगिक हो। ठीक है मित्रों, आज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आवाज में कमी थोड़ी आ रही है। ठीक है, फिर भी
आगे बढ़ते हैं। तो हमने विकास के सिद्धांत को जानने की कोशिश की, आपने देखा होगा, देखिए पहले कदम पे हमने विकास को जाना, डेवलपमेंट, विकास की दिशा कैसी होती है, तो शिरा पदाभिमुख, अपादमस्तक, मस्तकादोमुखी, शिरा पुंच होती है। वहीं उसके बाद जब हमने अध्ययन किया तो कुप्पुस्वामी महोदय द्वारा विकास को दो भागों में रखा गया, सिफोलोकोडल जो सिर से पैर की तरफ दर्शाता है, प्रोक्सिमो डिस्टल जिसने केंद्र से परिधि की तरफ विकास की दिशा को दर्शाने का काम किया, जहां बालक के सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद हाथ हथेलियों और उसके बाद उसके तदुपरांत उंगलियों का बालक इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सॉरी अन्य सिद्धांतों की तरफ। तो निरंतरता का सिद्धांत, जहां गतिमंद या फिर तीव्र हो सकती है लेकिन विकास क्रम लगातार चलता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, मतलब यह है कि विकास चलता है और क्रमागत रूप में चलता है, अर्थात पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसी नहीं कि पहले किशोरावस्था, जन्मोपरांत, फिर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। ठीक है, फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह कहता है कि सभी प्राणी मनुष्यों में विकास समान गति से होता है, कहीं मन तो तीव्र हो सकता है लेकिन सभी में एक क्रमागत रूप में ही विकास होता है। उसके बाद परस्पर सहसंबद्धता का सिद्धांत, यह कहता है कि विकास कभी भी एकल नहीं होता। ठीक है बाबू, जैसे बालक का विकास करने का मतलब क्या, हम जो सीखते हैं ना वो भी विकास का हिस्सा ही होता है, अधिगम भी विकास का हिस्सा ही होता है। जैसे कि बालक किसी चीज में परिपक्व हुआ तो वो भी उसका विकास है। जैसे बालक बैठने में मैच्योर हुआ, बच्चा क्या हुआ, बैठने में मैच्योर हुआ, खड़े होने में मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, चलने में मैच्योर हुआ, दौड़ने में मैच्योर हुआ, कुछ शब्दों को बोलने में मैच्योर हुआ। तो आप ही बताओ, यदि वो बैठता है तो बैठने में उसके मेरुदंड का योगदान, रीढ़ की हड्डी का योगदान, उसके कमर का योगदान, उसके घुटनों का योगदान, उसके पैर का योगदान और उसके तंत्रिका तंत्र का सभी का योगदान होता है। उसके खड़े होने में भी इन सभी अंगों का योगदान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि विकास कभी भी एकल नहीं होता, विकास क्या होता है बाबू, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, संबंधित रहता है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक सर्वप्रथम अपने संपूर्ण अंगों का इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर विशेष अंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे कि बालक को उंगलियों का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले वो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा, फिर अपने कोहनियों को मोड़ सकता है, फिर हाथों अपनी उंगलियों के माध्यम से चीजों को पकड़ने में सक्षम होगा। उसके बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, कहने का मतलब बालक के ऊपर पड़ने वाले उसके माता पिता के लक्षण, गुणसूत्रों का लक्षण एवं पितराय गुणसूत्रों का लक्षण एवं आंतरिक एवं बाह्य वातावरण की अंतःक्रिया ही बालक के विकास को प्रभावित करती है। फिर विकास वर्तुलाकार ना होकर के, अरे विकास सीधी रेखा ना होकर के क्या होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। अगर एकाक्ष सिद्धांत और बढ़ाना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, अर्थात पहले हमने कहा है कि बालक जो चीजें सीखता है क्या करता है बाबू, जो चीजें सीखता है वो भी उसके विकास का हिस्सा होती है ना। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, मैंने विशिष्ट नहीं लिखा यहाँ पे, तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, कहने का परिहार यह है कि बालक सर्वप्रथम बेसिक चीजों के बारे में सीखता है, उसके बाद स्पेशल चीजों के बारे में सीखता है। जैसे बालक छोटे छोटे शब्दों का, पहले वर्णों का इस्तेमाल करता है, अक्षरों का, हाँ चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उसके तदुपरांत ही वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, फिर वाक्यों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तब जाकर के वह एक दो दो लाइन के वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आते हैं विकास को सक्रिय रूप से पढ़ने के लिए। अगर हम विकास को सक्रिय रूप से पढ़ें तो बाबू हमें विकास के भागों का अध्ययन करना होगा। विकास के भाग कितने हैं, तो विकास के कुल चार भाग हैं, जो कि हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगिक। विकास के ये चार भाग होते हैं, ठीक है, और इन चारों भागों का हमें अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन करना जरूरी होगा,
हमें अध्ययन करना जरूरी होगा अवस्थाओं का। किसका अध्ययन करना जरूरी होगा? अवस्थाओं का। और इन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए हमें, जैसे को कितने प्रकार की अवस्था है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। हमें अध्ययन कैसे करना है इनका? तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास और शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। वही बाल्या में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, फिर किशोरा में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। इन चार तीनों अवस्थाओं के चारों भागों का अध्ययन करने के बाद ही हम विकास क्रम को पूरा अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें शारीरिक विकास के भाग कितने होते हैं, मानसिक विकास के भाग कितने होते हैं, इन सभी घटकों का अध्ययन करना होगा, ठीक है बाबू। तो आज जो है स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हमने विकास क्रम के सिद्धांतों को और विकास के भाग को और अवस्थाओं को दर्शाने का कार्य मात्र किया। कल की कक्षा में हम शारीरिक विकास, मानसिक शारीरिक विकास के प्रकार, फिर मानसिक विकास के प्रकार, सामाजिक विकास के प्रकार व संवेगात्मक विकास के भाग का अध्ययन करेंगे। ये किस प्रकार से होते हैं, फिर शारीरिक विकास शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास के पक्ष का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है मित्रों। आज की क्लास बस इतने ही, मेहनत से पढ़िए। कंपटीशन का परिहार मैं अब आपको बताऊं तो जुलाई में सीटेट की परीक्षा हो सकती है और गवर्नमेंट सुपर टेट के लिए कभी भी तैयार हो सकती है, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैंने सोचा है कि हम क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन सेशन हो सकता है नेक्स्ट क्लास हमारी कल की भी क्लास हो सकती है। विचार यह है कि विकास नाम के अध्याय को समाप्त करने के बाद स्टार्ट किया जाए। तो जो भी चीजें रहेंगी वह कल आपको निर्धारित कर दी जाएंगी। कल फिलहाल जिन अध्यायों को बोला है मैंने उन पर अध्ययन किया जाएगा, उसके तदुपरांत क्वेश्चन सेशन पर भी हम आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।